सो गाइस आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड टुडे वी विल कवर इनकम टैक्स न्यू प्रेस रिलीज। एंड गाइस आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन स्कीम लॉन्च करनी है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके लिए एक न्यू डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म आएगी। ऑलरेडी काफी सारे रिफॉर्म्स आ चुकी हैं, लाइक सीबीडीटी ने अनाउंस किया था कि इनकम टैक्स रेट फॉर कंपनीज रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम 30% टू 22%। इसका एक इंपैक्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो कंपनी 22% टैक्स पे करेगी, बट मैं अगर मेरी इनकम 15 लाख से अबव है तो मुझे 30% पे करना पड़ेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रेट रिड्यूस कर दिया था 15%, बट इन दोनों रेट्स के लिए 22 और 15 के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना है, नहीं करोगे तो आपको ये लोअर रेट नहीं मिलेगा, वो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी। ये स्टेप मुझे काफी अच्छा लगा था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाज आल्सो एबोलिश्ड, मतलब कंपनी से शिफ्ट करके शेयर होल्डर पर यह टैक्स डाल दिया था। बट अगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचोगे तो यह स्टेप काफी अच्छा था। कैसे? सपोज कंपनी अगर कोई भी अमाउंट डिक्लेयर करती है तो कंपनीज को डीडीटी पे करना ही पड़ता था, बट अब यह अमाउंट कैसे टैक्सेबल होगा? अगर शेयर होल्डर की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी टैक्सेबल होगा। और भी काफी इंप्रूवमेंट थी कि आईटीआर आपको प्रीफिल होकर मिल जाती है, आईटीआर 1 फाइल करना काफी इजी होता है। दूसरा गाइस, आपकी फेसलेस असेसमेंट हो जाती है, ई असेसमेंट हो जाती है, आपको रिप्लाई देने पड़ते हैं नोटिसेस के ऑनलाइन, वो भी एक काफी अच्छा स्टेप है। एंड गाइस डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के लिए जितना बजट गवर्नमेंट ने रखा था उतना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस स्कीम के लिए एक एक्सटेंशन मिल जाए, बिकॉज इस स्कीम की एक्सटेंशन के लिए काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से कि इस स्कीम की लास्ट डेट को बढ़ा दिया जाए, बिकॉज कोरोना में वो डेट फुलफिल नहीं हो पा रही है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए इसकी डेट आई गेस एक्सटेंड हो सकती है। और इस मीटिंग में रहेंगे चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन और आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो गाइस चैनल के साथ जुड़ जाना, और अगर आपको कोई ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लगे सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।